गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, हमारा वर्गीकरण टॉपिक चल रहा था, टैक्सोनॉमी में चल रहा था वर्गीकरण। वर्गीकरण आपका हो गया था, बेंथम ऊपर का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद जो है हम आते हैं पादप की जो कुंजियां हैं या पादप को पहचानने के जो वो हैं या पादप के जो भाग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पादप जो है प्रकृति के आधार पर, प्लांट्स, पादप जो है प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नंबर एक हम आता है इसमें एक वर्षीय पादप, नंबर एक आता है एक वर्षीय, एक वर्षीय पादप। ठीक है, एक वर्षीय पादप क्या है? ऐसे पादप जो अपना जीवन चक्र जो है वो एक ऋतु में पूर्ण कर लेते हैं, जीवन चक्र एक ऋतु में पूर्ण करते हैं, एक ऋतु में पूर्ण करते हैं, उन्हें हम एक वर्षीय पादप कहते हैं। जैसे आपने सरसों गेहूं, ये जो है अपना जीवन यापन जो है वो एक ऋतु के अंदर पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा है द्विवर्षीय पादप, ऐसे पादप जो अपना जीवन चक्र जो है वो दो ऋतुओं में पूर्ण करते हैं, अर्थात पहली ऋतु के अंतर्गत जीवन चक्र दो ऋतुओं, पहली में काय वृद्धि और दूसरी ऋतु जो होती है उसमें जननांग वृद्धि का जनन का कार्य करते हैं। पहली काय वृद्धि, दूसरी में जनन का कार्य करते हैं। ऐसे पादप जो है वो द्विवर्षीय पादप कहलाते हैं, जिसमें मूली, गाजर इत्यादि। ठीक है, पहली ऋतु में काय वृद्धि, दूसरी में जननांग वृद्धि का कार्य करते हैं, द्विवर्षीय पादप कहलाते हैं। तीसरा है बहुवर्षीय पादप, ऐसे पादप जो अपनी क्रियाओं को प्रत्येक वर्ष दोहराते हैं, प्रत्येक वर्ष जनन करते हैं, प्रत्येक वर्ष पुष्प आते हैं, फूल लगते हैं, क्या बोलते हैं, फल लगते हैं, ऐसे पादप जो है वो बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। जिसमें हमारे सभी वृक्ष, आप ले लीजिए कोई भी आम है, नीम है, ये सभी क्या है, बहुवर्षीय पादप, जो अपना जीवन चक्र जो है वो लगातार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ऋतु में जो है वो अपना जीवन चक्र चलाते रहते हैं, प्रत्येक ऋतु में फल देते हैं, प्रत्येक ऋतु में जो है वो पुष्प देते हैं, ऐसे पादप जो है वो बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि थियोफर्स्टस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, पादप को जो है वो चार भागों में बांटा। कौन कौन से, मैंने आपको बताया था उस दिन, नंबर एक सार, छु, वृक्ष, या उपछुप और उन्होंने नाम दिया। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा भी हमारे बल्लरी पादप हैं, बल्लरी है, ठीक है, कंठलताएं हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। ठीक है, शाकीय पादप, ऐसे पादप जो केवल जो ऋतु में ही या एक ऋतु में ही जो है ऋतु के अंतर्गत उगते हैं, उसी ऋतु में जो है उनका जो जमीन से ऊपर का भाग जो है वो समाप्त हो जाता है, और दोबारा जब मौसम आता है, दोबारा जब बरसात का मौसम होता है, उस समय वो हरे हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मौसम बारिश खत्म होती है या जैसे ऋतु खत्म जाती है, वो पादप जो है वो स्वतः ही कहलाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पादप जो है वो शाकीय पादप कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था छुपीय पादप क्या होते हैं, ये बहुवर्षीय जो है काष्ठीय पादप भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका पास प्रो जो ज्यादा विकसित होता है, अर्थात ये लंबाई जो होती है वो कम होती है, और जो पत जो कंटनसी जो डालियां जो होती है या जो अपन कहते हैं स्तंभ जो होता है वो पतला होता है। ठीक है, ऐसे पादप जो है झाड़ी या छू कहलाते हैं। वृक्ष आप सभी जानते हैं हमारे आसपास जो है ये बहुत सारे आम का, नीम का, ये जो वृक्ष है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसका, गुलमोहर है, या जो अपन क्या बोलते हैं इसको, शीशम है, ये क्या है, वृक्ष। ठीक है, तो वृक्ष जो है वो एक लंबा काष्ठीय बहुवर्षीय मोटा बेलनाकार इसका मुख्य तना होता है, इस तरह से शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, और एक बहुत सारा एक कैनोपी के रूप में एक तोरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे नीम आम मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, उसके बाद जो है आरोही पादप, वे पादप जो किसी के सहारे जो है क्या करते हैं, चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, ऐसे पादप जो है वो आरोही पादप कहलाते हैं। ठीक है, इनका जो तना होता है वो अत्यंत दुर्बल होता है, और ये किसी के सहारे जो है वो
ऊपर गमन करते हैं, ठीक है। उसका भल्लरी मैंने बताया था, तो ये भी दुर्लभ तल्ले वाले पादप होते हैं, ठीक है। किसी के सारे लिपट करके और उगने वाले पादप हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बंगला बेल वगैरह जो होती है वो, पहले वाले में तुरई वगैरह जो है वो, ठीक है। उसके बाद कट जाता है, ये जो है काष्ठीय पादप होता है, ठीक है। आपने बोगनवेलिया एक ऐसा पादप सजावटी पादप है, आपने देखा होगा कि जब बोगनवेलिया होता है तो उसके जो है कंटला जो उसका तना होता है वो बेल तो पकता है लेकिन काष्ठीय होता है, मजबूत होता है, ठीक है। ऐसे जो पादप है उन्हें हम कंटलताएं कहते हैं, ठीक है। तो एक वर्षीय पादप समझ में आ गया, ऐसे पादप जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु में पूर्ण करते हैं जैसे सरसों गेहूं, ऐसे पादप जो अपना जीवन चक्र दो ऋतुओं में पूर्ण करते हैं, पहली ऋतु में जनन और गायक वृद्धि, दूसरी में जननांग वृद्धि, ऐसे पादप जो प्रत्येक वर्ष फल पुष्प धारण करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग और पादप बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। साठ वे पादप जो केवल एक ऋतु में या एक बरसात के ऋतु में या ऋतु के अंतर्गत जो है उनका जमीन से ऊपर का भाग होता है, बाकी ऋतु के नष्ट होते ही ये जमीन वाला ऊपर का वाला क्या होता है नष्ट हो जाता है, साठ वे पादप कहलाते हैं। चू मैंने बताया था आपको, ऐसी छोटी झाड़ीनुमा संरचना है जैसे यहाँ पर करौंजा है, नींबू है, ये चूप के अंतर्गत आते हैं। वृक्ष मैंने बताया था अपने आसपास, इनका तना मजबूत होता है, बेलनाकार होता है, शाखाएं निकलती हैं, केनोपनो संरचना बना लेते हैं, वो वृक्ष कहलाते हैं, बहुवर्षीय पादप होते हैं। बल्लरी मैंने आपको बताया था, ऐसे पादप जो किसी के सहारे जो है क्या करते हैं ऊपर चढ़ते हैं, कि जैसे तुरई वगैरह जो है। और मैंने बताया था कौन करते हैं आपको, और बताया था मैंने आपको ऐसे पादप जिनका जो काष्ठीय पादप होते हैं, बेल जो है काष्ठीय होती है, जैसे बोगनवेलिया, ठीक है। इसके बाद जो है पादप के तीन भाग मुख्य होते हैं, मैंने आपको बताया था जड़ तना पत्ती। तो हम मूल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जड़ क्या होती है। मूल रूट जिसे हम कहते हैं रूट, जड़ क्या है, ठीक है। पादप के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो होता है मूलांकुर और एक होता है प्रांकुर, ठीक है। मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है और प्रांकुर से जो है वो तने एक बार पादप के ऊपरी भाग का निर्माण तो प्रांकुर से होता है, ठीक है। मूल जो होती है, मूल पादप के लिए एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, यांत्रिक शक्ति या जो है एक जगह स्थिर रहने का कार्य करती है, ठीक है। मूल पादप के लिए महत्वपूर्ण है, जल अवशोषण कार्य मूल द्वारा होता है, ठीक है। तो मूल जो है वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सा है, एक तो मुफला मूल, एक होती है अपस्थानिक मूल, मुफला मूल और अपस्थानिक मूल, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मुफला मूल जो है इसका निर्माण केवल मूल के प्रांगण से होता है, मूल इसका निर्माण मूलांकुर से होता है, ठीक है। जैसे मूल का मूल जो मूलांकुर से बनती है, अपस्थानिक मूल जो है मूलांकुर के अलावा अन्य किसी भाग से इसका निर्माण होता है, उसे हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पादपों के अंदर शकरकंदी है, क्या बोलते हैं उसमें मक्का है, अपस्थानिक बरगद है, अपस्थानिक मूल का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये जो है अपस्थानिक मूल होती है, ठीक है। मूसला मूलों के रूपांतरण में आप बता दूं, मूसला मूल का रूपांतरण जो है, मूला का रूपांतरण पढ़ रहे हैं, मूसला मूल का रूपांतरण जो है, या रूपांतरण क्या होता है, जब मूल का भाग जो है खाद्य पदार्थों का संचय करके जो है फूल जाता है और खाने योग्य भाग बनाता है, वह मूल का रूपांतरण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए रूपांतरण में, मूसला मूल का रूपांतरण सबसे पहले बता दूं आपको मैं, तर्कू रूपी के समान, ठीक है। तर्कू रूपी के अंतर्गत आपका जो है वो मूली देखिए, आप सभी ने मूली जो है वो खाद्य पदार्थ संचय करके फूल जाती है और एक तर्कुनुमा संरचना बनाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शंक्वाकार, शंकु के समान शंक्वाकार गाजर, ये भी क्या है, भोजन का संचय करके फूल जाती है। उसके बाद जो है आपका आता है कुंभाकार, ठीक है। आप देखी होगी आपने चुकंदर सलजम देखी होगी, सलजम और चुकंदर सभी खाते हैं, देखा होगा आपने, कुंभी के समान, कैसा कुंभी के समान संरचना बनाती है, ठीक है। और कंदिल मूल जो है वो गुलाबवास, कंदे के समान कंदिल मूल जो है वो गुलाबवास, ठीक है। ये जो है आपके मूसला मूल के रूपांतरण है। आप देखिए अपस्थानिक मूल बता दूं मैं, ये तो मूसला मूल के रूपांतरण आपके कौन कौन से, तर्कू रूपी मूली, शंक्वाकार गाजर, कुंभाकार सलजम और कंदिल मूल जो है वो क्या है आपकी गुलाबवास। अब अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण अपन देखें, ठीक है। तो आपने देखा होगा शकरकंदी, सबने खाई होगी शकरकंदी, खाई ना शकरकंदी सबने, ठीक है।
शकरकंदी की बेल जो होती है अपन देखते हैं बेल लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेल लगाते हैं, और उसके तने तने से जो है वो जहां जहां पर जमीन पर बड़ी होती है वहां से मूलों का निर्माण होता है, परसंधि से मूलें निकलती हैं, और वो मूलें जो होती हैं वो क्या करती है भोजन का संचय करके फूल जाती हैं, और ऐसी मूलें जो है वो अपस्थानिक मूलों का रूपांतरण कहलाती है, जैसे कंदिल, कंदिल शकरकंदी, ठीक है शकरकंदी, शकरकंदी में क्या होती है इसके तने से जो है पर्वसंधि से शाखाएं निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं, और फूल करके क्या बनाती है आपका कंदिल मूल का निर्माण करती है। पुलकित मूल है, पुलकित मूल है, सतावर, सतावर के अंदर पुलकित मूल होती है, ठीक है ग्रंथिर मूल है, आमा हल्दी, ग्रंथिर मूल है आमा हल्दी, इसी कैसे होती है ग्रंथिर मूल होती है, ठीक है ये ग्रंथिर मूल का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद अवस्तम मूल है, आपने देखा होगा बरगद की पेड़ अपने आसपास देखते हो सभी, इसमें से शाखाएं निकलती है, उसमें से क्या निकलती है जटा रूपी शाखाएं निकलती है, वो जो है वो आपकी क्या कराती है अवस्तम मूल कहलाती है, इसमें होती है आपके आप जो आपका बड़का जो पेड़ होता है उसमें जो है वो बरगद का जो पेड़ होता है उसमें अवस्तम मूल निकलती है। प्रवाल पर मूल आपने जो देखा मक्का का पेड़, सबने देखा होगा मक्का के पेड़ के नीचे जो मक्का का पेड़ होता है उससे ऊपर से इस तरह से जड़ निकलती है, ये क्या करती है ये जड़ें निकलती है, ये जड़ें क्या कहलाती है आपकी ये जड़ें जो होती है वो आपकी प्रबाल पद जड़ें कहलाती है, ये पादप को यांत्रिक सहारा देने का कार्य करती है, मक्का के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। उसका मूल सेवन के अंदर होती है, आरोही मूल जो होती है वो पान, पान देखिए आप पान कितनी देखिए आपने पान एक बेलनुमा संरचना होती है, ठीक है उसमें जो मूल होती है वो आपकी जो है आरोही मूल कहलाती है। आपने श्वसन मूल देखिए जो क्या करती है श्वसना कार्य करती है, बहुत सारे पादप जैसे आप मैंने बताया था आपको कि लवणीय जल में रहने वाले पादप जो हैं उनके अंदर जो है श्वसन मूलों का निर्माण होता है, क्योंकि लवणीय जल में जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, तो वहां पर श्वसन के लिए जो है कौन सी पाई जाती है श्वसन मूलें पाई जाती है, ठीक है। कई जगह आर्द्रता ग्राही मूलें, ठीक है आर्द्रता ग्रहण करने का कार्य करती है। स्वांगीकारी मूलें सिंगाड़ा जो है स्वांगीकारी मूलें पाई जाती है। जड़ मूलें वृक्षफलम में जड़ मूलें पाई जाती है। चूषक मूलें अमरवेल, आप सभी जानते हैं अमरवेल का पादप आपने नाम सुना होगा, जिस भी पादप पर अमरवेल का पौधा पाया जाता है बेल पाई जाती है वो पादप कुछ दिनों बाद सूख जाता है, क्यों सूख जाता है क्योंकि इसके अंदर चूषक मूलें पाई जाती है जो क्या करती है किसी भी पादप के प्लयम भाग में जाकर के जो भोजन जो होता है उस पूरे भोजन का शोषण करके और वहां पर क्या कर लेती है वो शोषण कर लेती है, जिससे कि पादप के भागों तक अन्य भागों तक भोजन की सप्लाई नहीं हो पाती और वो मूल जो है वो पादप जो क्या होता है सूख जाता है। तो इसमें क्या बात है चूषण मूलें पाई जाती है। कपकीय मूल जो होती है मोनोट्रॉपिक के अंदर पाई जाती है, कपकीय मूल पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो मूलों का रूपांतरण हमने पढ़ा, ठीक है। अतः मूल क्या होती है रूपांतरित हो जाती है। ये तो हुई आपकी मूल की बात, अब आती है आपके स्तंभ की बात। स्तंभ मीन तना, स्तंभ दूसरा पादप का मुख्य भाग कौन सा है आपका स्तंभ। हम सभी जानते हैं पादप का जो मेन भाग होता है तना स्टेम होता है, ठीक है, जिससे पादप जो है वो यांत्रिक ऐसे कह सकते हैं पादप जो है अपने खड़ा होने का कार्य, पादप जो है वो खड़ा हो जिस कार्य खड़ा रहता है वो स्तंभ कहलाता है। मुख्य भाग होता है विभिन्न भागों की सप्लाई ऐसे कह सकते हैं कि पादप का मुख्य भाग जो है वो तना है, ठीक है। तना जो है प्रांकुर भाग से किससे बनता है प्रांकुर, मैंने बताया दो भाग होते हैं मुख्य प्रांकुर और मूलांकुर, मूलांकुर भाग से मूल निर्माण होता है, प्रांकुर भाग से तने का निर्माण होता है, ठीक है। तना काष्ठीय शाकीय बेलनाकार जो है वो होता है, ठीक है। खोखला होता है, ऊंट श्यान कई प्रकार का तना हो सकता है, ठीक है। ऊंट शीर्षी देखिए इसके प्रकार बता दूं आपको, ऊंट शीर्षी तना जिसका जो है शीर्ष भाग ऊर्ध्व हो, ऊर्ध्व मतलब खड़ा हुआ, इस तरह से शीर्ष भाग ऊर्ध्व ये वाला भाग जो है वो ऊर्ध्व कहलाता है, भूमि से ऊपर उठा हुआ ऊर्ध्व शीर्षी हो, शीर्ष भाग जो है वो क्या हो ऊपर उठा हुआ, जिसे हम ऊर्ध्व शीर्षी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे ऊर्ध्व शीर्षी कहते हैं, ठीक है। जिसका ऊपर का भाग कैसा हुआ उठा हुआ हो, विस्तृत विस्तृत जमीन के सहारे जो जमीन है इसके सहारे जो लेटा हुआ भाग है उसे हम विस्तृत तना कहते हैं, क्या कहते हैं इसे विस्तृत तना कहते हैं, जमीन के ऊपर लेटा हुआ भाग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्तंभ के रूपांतर कौन कौन से, देखिए सबसे पहले आता है स्तंभ के रूपांतर। अब इसके रूपांतरण क्या है सबसे पहले मैं बता दूं स्तंभ के रूपांतर मतलब स्तंभ का रूपांतर हो जाना, ठीक है। स्तंभ के रूपांतर से पहले भूमिगत तना, देखिए भूमिगत भूमिगत रूपांतर कौन कौन से हैं वो नंबर एक मैं बता दूं आपको सलकंद, ठीक है। आपने प्याज देखा प्याज से मिले प्याज सब खाते हैं, ठीक है। उसका जो भाग जो जो होता है सलकंद, सल के समान सरकंद, सलकंद प्याज,
इसका जो भाग होता है, जो गोल गोल जो भाग होता है वो सलकन, सल के स्तंभ होता है, सलकन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद राइजोम, अदरक सभी खाते हैं अदरक, ठीक है, प्रकंद, प्रकंद अदरक, ये पूरा तना होता है, जमीन के अंदर ही होता है पूरा तना, क्या होता है जमीन के अंदर होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रकंद या राइजोम कहते हैं, जमीन के भूमिगत तने को प्रकंद या राइजोम कहा जाता है, अदरक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंद, आलू, आलू किसमें आता है, कंद में आता है आलू, ये भी क्या है तना है, आलू भी क्या है तना है। उसके बाद धनकंद, अरबी, अरबी खाई ना आपने सभी ने, अरबी की सब्जी जो है वो बनाई जाती है अरबी, ये भी क्या है घनकंद के अंदर आता, अर्थात ये तने जो है वो भूमिगत होते हैं, कैसे होते हैं भूमि के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, भोजन का संचय करके खुल जाते हैं और ये खाने योग्य भाग जो है आपके प्रकंद घनकंद सलकंद के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। आप कई भाग जो होते हैं अर्धवायव भाग, वायव्य भाग, ठीक है, मतलब वायु जो हवा में जो जमीन के ऊपर भाग होता है उसे वायव्य भाग कहते हैं, अर्धवायव्य कौन सा होता है जो आधा जमीन के अंदर और आधा जमीन के ऊपर होता है अर्धवायव्य भाग कहलाता है। जैसे पुदीना, आप सबने पढ़ा होगा पुदीना का आधा भाग जो है भूमि के अंदर होता है आधा भाग उठा हुआ होता है, इसे अर्धवायव कहते हैं, क्या कहते हैं इसे अर्धवायव कहते हैं, ऊपर उस्तारे कहते हैं, ठीक है, अंतर्वस्तारी, सॉरी वायव्य भाग जो होता है पर्णा पर्व, दो चीजें आप समझिए, पर्णा पर्णा पर्व और पर्णा स्तंभ, दो भाग है पर्णा पर्व और पर्णा स्तंभ। जब पादप का पर्व जो है वो प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है उसे हम पर्णा पर्व कहते हैं, जब पादप का कौन सा भाग पर्व जो है वो प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है उसे पर्णा पर्व कहते हैं, और जब पादप का स्तंभ भाग जो होता है वो क्या करता है प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है उसे हम पर्णा स्तंभ कहते हैं। तो ये भी क्या है स्तंभ है, लेकिन कार्य कौन सा कर रहा है पत्ती का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। पर्णा पर्व जो है 57, इसका एग्जाम्पल है 57 और ये नाखूनी, इसका है नाखूनी, इसका पूरा स्तंभ जो है वो पत्ती का कार्य करता है, अर्थात ये भी तने का क्या है रूपांतरण है, ठीक है। ये हुआ आपका स्तंभ और स्तंभ के रूपांतरण, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पत्ती, पर्ण, नेक्स्ट संरचना आती है आपकी पत्ती पर्ण, पर्ण क्या है हम सभी जानते हैं पादप का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जो पादप क्या काम करता है प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है, हरे रंग का होता है, जो पादप के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है पत्ती पर्ण, ठीक है। पर्ण जो है वो स्तंभ की पर्व संधि से, कहां से स्तंभ की पर्व संधि से निकलती है, पर्व संधि से निकलती है, कहां से निकलती है स्तंभ की पर्व संधि से निकलती है, ठीक है। ये संरचना जो है क्या कहलाती है पर्ण कहलाती है। महत्वपूर्ण क्या है प्रकाश संश्लेषण का कार्य, क्या करती है प्रकाश संश्लेषण कार्य करती है पत्ती, कहां से निकलती है स्तंभ की पर्व संधि से निकलती है, ठीक है। देखिए अब इसमें जो इसके भाग है कैसे कैसे पत्ती पाई जाती है, सबसे पहले आता है अनुपर्ण, अनुपर्ण पत्ती के नीचे एक छोटी पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है जो क्या कहलाती है आपकी अनुपर्ण कहलाती है, ठीक है। अर्थात ये पर्णाधार के पास उपांग होते हैं, उपांग मीन अंग होते हैं, पास मीन साइड में पाए जाने वाले उपांग होते हैं, ठीक है। अनुपर्ण जो है क्या है पत्ती के नीचे, मान लीजिए ये पत्ती है, इसके नीचे ये जो संरचना होती है ये यहाँ पे कहलाती है अनुपर्ण कहलाती है, क्या कहलाती है ये अनुपर्ण कहलाती है। ये स्वतंत्र रूप से हो सकती है इस तरह से हो सकती है, ये संयुक्त रूप से इस तरह हो सकती है, ये स्वतंत्र रूप से हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए गुड़ल जो है उसमें स्वतंत्र अनुपर्ण पाए जाते हैं। अब आप देखो गौर से, ये जो है ये गुड़ल है, ये पत्ती है, इसकी पत्तियां हैं। अब देखो इस पत्ती के नीचे, इस पत्ती के नीचे ये पार्श्व उपांग है दो, ये वाले जो उपांग हैं ये कहलाते हैं अनुपर्ण, क्या कहलाते हैं अनुपर्ण कहलाते हैं। और स्वतंत्र कैसे हैं आप देखो, ये बिल्कुल पत्ती के नीचे, देखो ये पत्ती में तोड़ के बता रहा हूं आपको, ये पत्ती के नीचे से निकल रहे हैं दोनों और बिल्कुल स्वतंत्र, दोनों एक दूसरे से क्या है स्वतंत्र है, यहां से निकले और स्वतंत्र रूप से दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम स्वतंत्र अनुपर्ण कहते हैं। ये हिबिस्कस और साइनेंसिस जो आपका गुड़ल है उसमें पाई जाती है, दिख गई सबको, एक बार फिर देख लीजिए, ये पत्ती के नीचे से, देखिए आप पत्ती के नीचे यहां से पत्ती निकल रही है, इसके नीचे ये वाले जो है इन पार्श्व उपांगों को हम अनुपर्ण कहते हैं, ये स्वतंत्र जो है वो गुड़ल में पाई जाती है, ठीक है। संयुक्त, संयुक्त आपने दिया है, देखिए सलग जुड़ी हुई, मैं जुड़ी हुई बता दूं आपको, गुलाब, ये देखिए गुलाब में आप देखो
ये देखिए, ये नीचे देखो आप पत्ती के नीचे ये जो संरचना है ये संलग्न जुड़ी हुई है, ये देखो ये जुड़ी हुई है और यहां से ये निकली हुई है, ये ऊपर केवल ऊपरी भाग निकला हुआ है बाकी नीचे का पूरा भाग जुड़ा हुआ है, इसे हम संलग्न अनुपर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संलग्न कहते हैं, ठीक है, जुड़ा हुआ कहते हैं, ठीक है। ये कई और होते हैं, सल्की है, वंतक है, वंतक है, अनुपर्णी है, ये सब क्या है? पत्ती के अनुपर्ण के भाग है, ठीक है। अब जो है पत्ती वो तीन प्रकार की होती है आपकी, नंबर एक आशुपाती, दूसरा पर्णपाती और तीसरा है आपका चिल्लग, ठीक है। आशुपाती, पर्णपाती और चिल्लग, ठीक है। देखिए काय कलिका के खुलते ही जब पत्तियां झड़ जाती हैं, कब? काय कलिका के खुलते ही पत्तियां झड़ जाती हैं, काय कलिका कितनी पत्ती होती है झड़ जाती हैं, उन्हें हम आशुपाती पत्ती कहते हैं। काय कलिका के खुलते ही पत्तियां झड़ जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आशुपाती पत्ती कहते हैं, ठीक है। जैसे दंडाथौर, थौर के अंदर जो ये पाई जाती है। पर्णपाती पत्तियां कौन सी होती हैं? ऐसी पत्तियां तो एक ऋतु के बाद, कब? एक ऋतु के बाद झड़ती हैं, या कह सकते हैं कि एक ऋतु सक्रिय रहती हैं, एक ऋतु में सक्रिय रहने के बाद झड़ जाती हैं। एक ऋतु में सक्रिय रहने के बाद क्या होती है? झड़ जाती हैं। ऐसी पत्तियों को हम क्या कहते हैं? पर्णपाती कहते हैं। बहुत सारे वृक्ष आपको पीपल आपने देखा होगा, बहुत सारे हमारे आसपास जितने प्लांट्स हैं उनमें क्या है, जब पर्णपाती जब पतझड़ का मौसम आता है देखते हैं पत्तियां झड़ जाती हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वृक्ष, तो एग्जांपल से वृक्ष, ठीक है, बहुत सारे जो हमारे आसपास के वृक्ष में ऐसा ही होता है, ठीक है। पत्तियां पतझड़ का मौसम आता है पत्तियां झड़ जाती है, ठीक है। चिल्लग, ऐसी पत्तियां जो हमेशा क्या रहती है? स्थायी रहती है, हमेशा क्या रहती है? स्थायी रहती है, अर्थात ये कभी नहीं झड़ती, ठीक है। इस प्रकार का जो पादप, इस प्रकार की संरचना है उसे हम चिरस्थायी पत्तियां कहते हैं, ठीक है। ये है आपका पत्ती तीन प्रकार की, आशुपाती, पर्णपाती और चिल्लग। उसके बाद आती है पत्तियां तक का निवेशन क्या है, निवेशन किसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका निवेशन, निवेशन क्या है। पत्तियां स्तंभ के किस भाग पर लगी हुई है, पत्तियां स्तंभ के जिस भाग पर लगी होती हैं वह भाग उसका निवेशन कहलाता है, ठीक है। अब पादप के कौन से स्तंभ पर लगी हुई है, पत्तियां कहां लगी हुई है, इसके आधार पर पादप स्तंभिक। जब पत्तियां स्तंभ पर लगी हो, कहां लगी हो? स्तंभ पर लगी हो, ऐसे पत्तियों को स्तंभिक पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभिक निवेशन कहते हैं, ठीक है। ये पहला है पत्तियों का लगना निवेशन कहते हैं, लगना निवेशन कहलाता है। कौन से स्तंभ? नंबर एक स्तंभ, स्तंभ, ठीक है। जब पत्तियां कहां लगी हो? स्तंभ पर लगी हो। जब पत्तियां स्तंभ पर लगी हो क्या कहलाता है आपका? स्तंभ कहलाता है। ये साख, मैंने बताया ना साख ये पादप जो होते हैं उनमें क्या होती है? डायरेक्ट स्तंभ से पत्तियां निकलती है, ठीक है। तो एक ऋतु में क्या होती है? समाप्त करती है। दूसरा है आपका साखीय, जब क्या करती है? बहुत सारे वृक्षों में पत्तियां निकाल करती है, शाखाओं से निकलती है। पत्तियां कहां से निकलती हैं? शाखाओं से निकलती हैं, इसे हम कहते हैं शाखीय निवेशन। क्या कहते हैं इसे? शाखीय निवेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे एक है मूलावासी, ये वृक्षों में आप देखते हैं शाखाओं से निकलती है। उसके बाद है आपका मूलावाद, मूलावादी या रेडिकल, रेडिकल। देखिए आपने प्याज देखा सभी ने, प्याज में जो है क्या होती है, प्याज में या मूली में जो है पत्तियां कहां से निकलती हैं? बिल्कुल कहां से निकलती हैं? जमीन से निकली हुई प्रतीत होती है। कहां से निकली? जमीन से निकली हुई प्रतीत होती है, उन्हें हम रेडिकल मूली कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल, जैसे मूली के अंदर पाई जाती है, जमीन के अंदर से निकली हुई प्रतीत होती है, ठीक है। उसके बाद आपको आता है पर्ण विन्यास, पत्तियों का लगने का क्रम। नेक्स्ट आता है आपका पर्ण विन्यास, पर्ण विन्यास पत्तियों का लगने का क्रम, पत्तियों के लगने के क्रम क्या कहते हैं? पर्ण विन्यास कहते हैं, ठीक है। समझ आइए पत्तियों का लगने का क्रम पर्ण विन्यास कहलाता है। इसके आधार पर स्तंभ पर पर्णों, इस पर पत्तियां समझिए, स्तंभ पर, स्तंभ पर पत्तियों का लगने का क्रम क्या कहलाता है? पर्ण विन्यास कहलाता है। नंबर एक है इसमें एकांतर,
जब पत्तियां जो एकांतर क्रम में लगी हो, मतलब एक के बाद एक स्तंभ पर। जैसे देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, ये आप देख रहे हो ठीक है, इसमें पत्तियां जो है एकांतर क्रम में है, एक एक पर्व संधि से केवल एक पत्ती निकल रही है, एक पर्व संधि से क्या निकल रही है, एक पत्ती निकल रही है ठीक है। ऐसे क्रम को क्या कहते हैं, एक दाएं ओर एक बाएं ओर, पहले पर्व में पर्व संधि से दाएं ओर दूसरे से बाएं ओर, ऐसे स्तंभ को क्या कहते हैं एकांतर, क्या कहते हैं एकांतर पर्णविन्यास कहते हैं ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपका सम्मुख, जब एक पर्व संधि पर दोनों ओर पत्तियां लगी हो, जब एक पर्व संधि पर, देखिए ये एक पर्व संधि है, इस पर ये दोनों ओर पत्तियां लगी हुई है, क्या लगी हुई है, एक पर्व संधि पर दोनों ओर पत्तियां लगी होती हैं, ऐसे को हम कहते हैं, क्या कहते हैं सम्मुख पर्णविन्यास कहते हैं, क्या कहते हैं सम्मुख पर्णविन्यास ठीक है। उसके बाद आता है आपका सम्मुख रोचक, अब सभी ने आंख देखा होगा, दो मिनट बचे, सभी ने आंख देखा होगा, आंख की जो पत्तियां हैं वो इस तरह से एक पर ये अगली पर संधि पर क्या होगा, ये से क्रॉस में 90 डिग्री कोण पर निकलेगी, अगली जो दो पत्तियां हैं वो एक पर संधि से 90 डिग्री कोण पर निकलेगी, आंख में जो है वो सम्मुख क्या कहलाता है, सम्मुख क्रॉस जो है पर्णविन्यास पाया जाता है, सम्मुख अध्यारोप अमरूद जो है सम्मुख अध्यारोप मतलब एक दूसरे ऊपर अध्यारोप दूरी प्रतीत होती है, अमरूद के अंदर पाया जाता है, चक्करदार जो है एक प्रश्न से दो या दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं, जैसे कनेर के अंतर्गत ये चक्करदार है, कनेर के अंदर जो है वो चक्करदार पर्णविन्यास पाया जाता है। इस प्रकार से जो है हम पादपों में पर्णविन्यास पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कल आपको हम पत्तियों के प्रकार, पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ओके।